तकरार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मनोज मनु। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, मैं आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस की क्यों हुई हार, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन इस हार के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, UBT, समाजवादी पार्टी, CPI सब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ी, गठबंधन नहीं किया, यही हार की वजह है। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बिना यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इनमें 2 सीटें वो थी, फूलपुर और मझबा, जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव हुआ और कहा गया कि CM का नाम पहले घोषित होना चाहिए। आज कांग्रेस की बैठक भी हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हार की समीक्षा के लिए हुई। और इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन, हरियाणा चुनाव के लिए नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत आदि सभी शामिल हुए। हरियाणा के प्रदेश नेताओं को भी इसमें नहीं बुलाया गया, मंथन किया गया, और जो कुछ निकल कर आया उससे पता चला कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, वो इस हार की समीक्षा करेगी, हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश करेगी। और राहुल गांधी की नाराजगी ये बता रही है कि जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशियों के नाम का पहले ही कांग्रेस से बिना पूछे चर्चा किए हुए नामों की घोषणा कर दी। अब उनका कहना है कि बची हुई सीटों पर बातचीत करके आगे विचार करेंगे। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे? बची हुई सीटों में बातचीत करके विचार करेंगे। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी क्या कहा है, एक बार सुनिए इंडिया गठबंधन पर। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना अपने अपने MLA के साथ, लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम MCD में हैं, जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए डेली झाड़ू लग जाए। आम आदमी पार्टी का एक और चेहरा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि वो हरियाणा चुनाव को BJP की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानते हैं। उनका ये मानना है कि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और आते। भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानूंगा। अभी इस फेज में 2 राज्यों में चुनाव हुए, एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहां परिणाम जो आए वो भिन्न है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहाँ पर नतीजे भिन्न हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया, अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60% से अधिक वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आईं और उनकी अपनी सरकार बनी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, कम समझने की कोशिश करेंगे कि अब कांग्रेस क्या होगा। ये यूं कहे कि अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। रमन मल्लिक नेता BJP हमारे साथ होंगे, अजन वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे, और हमारे 2 सहयोगी
नितिश झा मुंबई से मेरे साथ होंगे और दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ होंगे। सबसे पहले दीपक के पास चलूंगा। दीपक, आज कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की है, बैठक में राहुल गांधी खुद मौजूद थे और राहुल गांधी बता रहे हैं कि काफी नाराज नजर आए और राहुल गांधी ने कहा है कि नेताओं का जो ईगो है वो पार्टी से बड़ा हो गया, नेताओं के जो अपने मुद्दे हैं वो पार्टी से बड़े हो गए और इसलिए पार्टी की यह स्थिति है। कई लोगों ने खुद ही अपने लोगों को हराने का काम किया है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो गया है, वो पता लगाएगी हार के कारणों का। हालांकि सबको पता है कि हार के कारण क्या है, लेकिन फिर भी पता लगाएगी और कहा जा रहा है कि साहब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है कि इसके पहले ही बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएं। इसके साथ साथ तो मुंबई से जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एसी के कमरों में बैठकर यह पता लगाना कि आप क्यों हारे हो, इससे ज्यादा तो पता आपका होगा कि कांग्रेस क्यों हारी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें आज की बैठक में भी खुल के नाराजगी देखी गई और ना सिर्फ बैठक में नाराजगी देखी गई, अब लगातार जो कांग्रेस के अन्य नेता है, चाहे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने भी आज खुल के निशाना साधा। वो बोले कि ओबीसी के नाम पर यहाँ केवल झुंझुना है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ओबीसी वर्ग को कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने बकायदा कहा कि पंजाबी समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, किसी के फोटो नहीं लगाए गए ओबीसी वर्ग से, उनका नहीं लगाएगा। ये तमाम अब आरोप प्रत्यारोप जो है सीधे तौर से कहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा जा रहा है। आज जब बैठक हुई उसके अंदर खुद राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ निजी हित पार्टी हित से ऊपर हो गए थे, हरियाणा के अंदर गुटबाजी हो गई थी। उन्होंने जब बीच में राहुल गांधी हरियाणा में आए तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दोनों का हाथ पकड़ के हाथ मिलवाया, ऊपर कराया, क्योंकि कभी ये दोनों अपने आप को भाई बहन कहा करते थे लेकिन आज बात भी नहीं होती दोनों में। ये प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि उसके बावजूद भी ये संदेश नहीं गया और कहीं ना कहीं उसके बीच में अनदेखी रही, अनदेखी के कई कारण रहे। अनदेखी में अगर बात करें 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कुमारी शैलजा का दूर हो जाना, ये भी बड़ा मुद्दा रहा नाराजगी का, कहीं ना कहीं गुटबाजी का ये बड़ा कारण रहा। टिकटों को लेकर के बात करें तो तकरीबन 89 एक सीट, हालांकि क्योंकि सीपीआईएम को दे दी थी तो 89 सीटों पर कांग्रेस थी, उनमें से 78 सीटें पर उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थे। उसके बावजूद नतीजे ये आना, ये कहीं ना कहीं ऐसे कई मुद्दे रहे जिसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा गया, गुटबाजी की बात की गई और अब इसको लेकर के कांग्रेस में एक आवाज भी उठने लगी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, टीएलपी लीडर और प्रभारी, इन तीनों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद साथ साथ फैक्ट जो फाइंडिंग कमेटी है वो इसकी रिपोर्ट लेकर आए। तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हरियाणा में जब भाजपा ने भी चुनाव लड़ा तो उन्होंने कांग्रेस पर कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बापू बेटा शब्द यूज कर करके ज्यादा निशाना साधा था। इस बात को लेकर के भी आज बैठक में चर्चा की गई कि क्यों वहां पर कांग्रेस से बड़े बापू बेटा यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हो गए। ये तमाम सारी चीजें, मुंबई चलते हैं क्योंकि अब अगला सबकी नजर महाराष्ट्र पर बनी हुई है। नितिश झा हमारे साथ मौजूद हैं। नितिश, आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कटाक्ष भी कर रहे हैं, ये व्यंग भी कर रहे हैं कि अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता तब जबकि आप जमीन पर नहीं हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथी अब कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, उसका असर महाराष्ट्र के चुनावी समर पर क्या होगा? जी बिल्कुल मनु, आपको बताते थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। लोकसभा चुनाव के समय जब गठबंधन इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ा गया उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस पुनर्जीवित हुई, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, 14 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस महाराष्ट्र में लेकर आई लोकसभा चुनाव में, और इसके साथ जिसके बाद से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़े भाई की भूमिका जो है कांग्रेस निभाने के लिए राह देख रही थी और अपने सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी और अन्य दलों के साथ जो है तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जहां शुरुआत से ही उद्धव ठाकरे के तरफ से सीएम पद को लेकर दबाव बनाया जा रहा था उसे लगातार कांग्रेस नजरअंदाज कर रही थी। बीते एक से दो महीने पहले जो है उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जो उस मुलाकात का जो है कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। उसके बाद अब जब हरियाणा के चुनाव आए तो शिवसेना हमलावर हो गई, शिवसेना वो सारी बातें लेकर फिर मैदान में आ गई। आपको बता दें बीते दिनों जब संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए बयान दिया, उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, अग्निवीर और जातिवाद जैसे मुद्दे होने के बावजूद
बावजूद अगर कांग्रेस वहां हार गई तो ऐसे में कांग्रेस में खुद में कहीं ना कहीं कमी है, कांग्रेस के स्ट्रेटेजी में कमी है। और साथ ही कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की कि इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी दलों को जो है उन्होंने साथ में नहीं लिया। अगर साथ में लेती तो जो चुनाव परिणाम है वो कहीं ना कहीं अलग होते। इसी के साथ जहां एक तरफ यूबीटी हमलावर हुई तो वहीं अब एनसीपी भी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है, जो महाविकास अघाड़ी में जो दो बड़ी पार्टी है शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार, ये दोनों अब जो है कांग्रेस पर कहीं ना कहीं हमलावर हो गए। जहां मुंबई के एक वर्सोवा सीट पर और सांगली के एक सीट पर एनसीपी और कांग्रेस में जो है लगातार विवाद जारी है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब महाविकास अघाड़ी में या कह लीजिए इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि कांग्रेस ये कोशिश करती है कि क्षेत्रीय दलों पर दबाव बना सके जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें पा सके, लेकिन इस बात का आईना जम्मू कश्मीर की सरकार में प्रमुख तौर पर आए हुए एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने बता दिया है। संजय राउत महारात में लगातार आईना दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे दीपक का, शुक्रिया हम करेंगे नीतीश का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच कांग्रेस को समझना होगा कि अगर उसके सहयोगी दल या क्षेत्रीय दल जिनको कहीं ना कहीं वो दबाने की कोशिश करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हथियाने की कोशिश करती है, अब वो उन्हें आईना दिखाने लगे हैं। चाहे वो शिवसेना उद्धव की बात हो या फिर एनसी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या शरद पवार की बात हो, एनसीपी की बात हो, तमाम लोग अब ये संकेत देने लगे हैं कि आपका वो करिश्मा है नहीं, आपका वो जादू है नहीं। और जिसका जिक्र महाराष्ट्र में कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का, महाराष्ट्र से ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी तो हरियाणा में थी और हरियाणा में बीजेपी को अपना चेहरा बदलना पड़ा, उसके बावजूद भी कांग्रेस इस बात का फायदा उठा नहीं पाई। रमन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर उपस्थिति दी है और ये बता दिया है कि उसके संगठन, उसके कार्यकर्ता, उसकी रणनीति बहुत शानदार है। और इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी कि आपको प्रदेश का चेहरा बदलना पड़ा, एक मुख्यमंत्री चुनाव के पहले देना पड़ा, कांग्रेस की समझ में नहीं आया। यही पूछना चाहूंगा कि अगर आप मेरे को भाजपा नेता के तौर पे आंसर देना चाहते हैं कि मैं वैसे दूं तो मैं वैसे दे देता हूं, और अगर आप एक राजनीतिक का स्टूडेंट के नाम पे मेरे से आंसर चाहेंगे तो मैं वैसे भी दे सकता हूं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां बात आती है कि ये चुनाव हम जीत रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था जो कांग्रेस का विचार है। 26 तारीख को एक चैनल के ऊपर, मेरा राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बात थी, पत्रकार हैं संदीप चौधरी, आप जानते होंगे उनको, उनको मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला था कि हम 50 सीटें जीत रहे हैं, 2019 से ज्यादा और 2014 से भी ज्यादा हमारा रिजल्ट आएगा। और ये उन्होंने तस्लीम करा 8 तारीख को अपने चैनल के ऊपर कि सारे हम हंस रहे थे इस बात पे, लेकिन आपकी बात सटीक है। उसकी वजह यह है कि हमने हर जगह हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करी, इन्होंने जाट नॉन जाट की बात करी। गुजरात में करते हैं पटेल नॉन पटेल, राजस्थान में गुजर मीना, कर्नाटका में लिंगायत वोकायत, उत्तर प्रदेश में इनके साथ ही शुरू हो जाते हैं यादव नॉन यादव, महाराष्ट्र में शुरू हो जाते हैं मराठा नॉन मराठा। सो दे हैव बीन डूइंग डिवाइसिव पॉलिटिक्स, दे एक सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज सर, आपकी चैनल के दो सिंगर्स की अगर लड़ाई होगी तो उसमें पूरी हायरार्की काम करेगी, तब जाके मालिक के पास खबर पहुंचती है और मालिक भी उसमें हिस्सा लेता है कि अगर जहां पे जो गलत है उसको सजा देता है और उसको अपनी चैनल को खुद बचाता है जी। यहां मालिक जो है इनका, वो खुद ही भस्मासुर बना हुआ, उसको कोई परवाह नहीं। तीसरी चीज सर, एक अशोक वांखड़े करके इनके एक बड़े चहेते से पत्रकार है जो कांग्रेस की बहुत अच्छी उनकी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो इनके संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनकी पूरी निजी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया हुआ है। अब उसके ऊपर कौन कुछ करेगा, उसके ऊपर खड़गे जी कर सकते हैं, राहुल जी कर सकते हैं, कौन रोकता जी। कुमारी शैलजा को अगर आपने बागडोर नहीं दी, आपने हुडा साहब को बागडोर दे दी, फ्रेंचाइजी थी ना हरियाणा में हुडा साहब की, टोटल फ्रेंचाइजी नहीं है सबको पता है। तो अगर हुडा साहब की फ्रेंचाइजी थी तो उसमें आप ये शैलजा जी का तड़का क्यों लगवा रहे थे? ये तो आपकी अपनी बेवकूफी है ना साहब, कि आप उनका तड़का लगवाना चाहते थे।
और अगर आपने उनका तड़का लगवा ही लिया था तो ऊपर अशोक तंवर का धनिया डालना जरूरी था। ये तो कोई जरूरत नहीं थी कि आप एक बंदे को एलिनेट करो। और उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको एक और बात, जब आम आदमी पार्टी क्या अलायंस की बात हुई थी तो मीडिया के मित्रों ने बड़ा स्पष्ट रूप से बोला कि उस मीटिंग में से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दो तीन लोग उसके निकल गए थे भनभनाते हुए गुस्से से। और उसके बाद जब सोनिया जी ने फोन करा तो भूपेंद्र हुड्डा ने फोन नहीं उठाया। ये मीडिया के मित्रों ने जो अच्छे कांग्रेस के सोर्स वाले हैं उन्होंने ये बोला। अब होता क्या है साहब कि अगर कांग्रेस के आला कमान को आप आंखें दिखाओगे तो वो आपको बख्शता नहीं है। तो उनको गलतफहमी ये हो गई कि हम तो जीत रहे हैं, हम इसको ठिकाने लगा देंगे जैसे हमने बंसीलाल जी को लगाया, बंसीलाल जी को लगाया। और वो सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस आला कमान की, उन्होंने इनको एलिनेट करने की कोशिश करी, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बचाने की कोशिश करी। और जो बचा बचाया भी कांग्रेस का अगर कुछ बनना था वो भी तमाम तरह की चीजें हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपने जो कहा उनमें सत्यता भी है। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। अब आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, और इससे तमाम सारी चीजें जो चुनावी समर में तैर रही थी उनको आप महसूस नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य का मुख्यमंत्री बदल दिया और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई। आपके यहाँ भरे चुनाव में आपकी बड़ी नेता संकेत देती हुई दिखाई दे रहे हैं कि साहब दलितों का अपमान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को पकड़ती है और चुनावी बड़ा कैंपेन बना देती है। तो ये जो अनुशासन है सबसे बड़ा आपकी पार्टी में, ये सबसे बड़ा मुद्दा, हर राज्य में ये स्थिति नजर आती है कि आपके नेता ही एक दूसरे के पैंट फाड़ने लगते हैं। दूसरी चीज जिसका जिक्र रमन मलिक कर रहे हैं कि जो आसपास राहुल गांधी के सलाहकार बैठे, आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर लोगे, राज्य के लोगों की जिम्मेदारी तय कर लोगे, लेकिन जो राहुल गांधी के आसपास जो सलाहकार बैठे हैं जिन्होंने कोई चुनाव तक नहीं जीता है, चुनाव होता क्या है, मंडल कमंडल ब्लॉक क्या होता है ये तक महसूस नहीं किया है, देश भर के नेताओं को वो नाम से नहीं बुला पाते हैं, ऐसे लोगों को आप जिम्मेदारी तय कर देते हो कि लोगों की बैठ के कॉपी जांचो, जो 50-50 साल की राजनीति में, 40 साल के, 35 साल के, उनका आप कॉपी जांच कर रिजल्ट तय कर रहे हैं, तो ये तो समझना पड़ेगा ना। अजय जी, मनोजी, सबसे पहले मैं स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह की आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, और रतन टाटा देश के एक उद्योगपति और सामाजिक चिंतक, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं जी। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए चुनाव में दो पार्टी होती है और दो ही चीज होती है, एक हार होती है एक जीत। ये पार्टी बहुत जीतते एक ही है, बाकी सब हारते हैं। ये चुनाव कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, कैसे जीता गया इसके लिए मैं बीजेपी को बधाई दे रहा हूँ, ईवीएम को बधाई दे रहा हूँ, लोकतंत्र को नहीं तंत्र को बधाई दे रहा हूँ, और इनकी जो संवैधानिक संस्था है उनको बधाई दे रहा हूँ। मैं इनको विशेष तौर पे बधाई दे रहा हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि हमारा 2024 में एक महामानव आए थे गुजरात से, वास्को डिगामा साहब, जिन्होंने नवीन भारत की खोज की थी। गांधी जी का कोई योगदान आजादी में नहीं था, और ये खोज करके उन्होंने भारत को प्रतिस्थापित किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये होने वाली देश की डिप्टी पीएम होने जा रही है कंगना रनौत, वो कहती हैं, और उन्होंने कहा था गांधी जी का कोई योगदान नहीं था। जब आए थे अजय वर्मा साहब, अगर यही हालत रही तो भारत, तो अगर यही हालत रही तो कांग्रेस एक खोज टाइप का सीरियल बनाना पड़ेगा। जो सज्जन अभी एक भाषण दे रहे थे चुनावी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, चुनाव खत्म हो गए, भाषण दे रहे थे, ये कौन गिर रहा है कौन उठ रहा है आप मुझे ज्ञान ना दे। वो पुरानी सीडी लेके बीजेपी की आए थे। नहीं नहीं, अपनी औकात में रहे आप, ये कौन सज्जन बोल रहे हैं, अपनी औकात में रहे आप। मैं बोल रहा हूँ आप जो भी हैं अपनी औकात में रहे, मैं आपके चुनाव में डिस्टर्ब नहीं हूँ। आपके बीच में अपनी परवरिश, किसी की बहन बेटी के लिए बोलने से पहले मैंने क्या बोला है भाई, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी। मैंने डिप्टी पीएम गलत कह दिया क्या, मैंने आपको गलत कह दिया क्या? होते कौन है इस प्रकार के, आप होते कौन है कहने वाले भाई, लोकतंत्र में आप होते कौन है लोकतंत्र में, आप किसी की माँ बहन के लिए कुछ भी बोल देंगे? मैंने तो कहा है सम्मान दिया भाई। तुम्हारी माँ बहन के लिए कोई कुछ बोले कैसा लगेगा भाई, वो सांसद है, सांसद को मैं डिप्टी पीएम कह रहा हूँ, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए भाई। क्या बैठ के भाषण दे रहे हो, सड़ी गली सीढ़ी ले आते हो, अरे क्या मनोज मनु किस बेहूदगी आदमी को बैठा लिया है आपने, क्या बेहूदगी आदमी को बैठा लिया है आपने, अपना मुंह जाके देखो, अरे छोड़ो अपनी शक्ल देखो यार,
अपनी परवरिश सोचो, कहां बैठे हो, कितनी शर्मनाक बात कर रहे हो, शर्म करो। चुनाव बेईमानी से जीते हो, क्या बैठ के भाषण देते हो, ये कैसी वेणु को पाल, ये भाषण, ये भाषण भाषण मत दो, या गोडसे की विचारधारा मत चलाओ। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद इस देश में गांधी चलेंगे, गोडसे नहीं चलेंगे। नेहरू ने करियो, नहीं नहीं गोडसे चलेंगे, पूरे देश को पता है। यहाँ बैठ के झूठ का प्रोपेगेंडा अच्छा, चला रहे हैं। अजय साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दों पर अगर चर्चा कर ले तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा, कुछ ठीक निकल कर आएगा। अगर हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वरना आप आरोप प्रत्यारोप और तर्क कुतर्क में रहेंगे तो कुछ चर्चा नहीं हो पाएगी। मुझे मुझे प्रोफेसर मनोज कुमार के पास भी जाना। मैं बोला था क्या है, कहां से प्रोपेगेंडिस्ट आ गए? किसी की मां बहन के लिए कुछ भी बोल दो, आप कौन होते हैं भाई? हु आर यू? मैंने कुछ नहीं कहा, आपको लगता है तो आप, आपको लगता है, लगने के मैंने तो सम्मान दिया है, और सम्मान देना गुनाह है भाई साहब। ये शुक्र मनाइए कि हम किसी स्टूडियो में नहीं है। मैं किसी शुक्र मनाइए बोलता नहीं, ये शुक्र मनाइए कि आप मेरे सामने नहीं है। अरे इतनी कोई बोलता तो आप, नहीं नहीं मैं बताता फिर कि आप कितनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। अरे छोड़ो भाई, अपने औकात में रहो, औकात में रहो, तेरे जैसे हमने भी बहुत देखे। आप जहां गटर में हो ना वहीं रहो। अरे साहब अजय जी रमन जी, मुझे लगता है कि हम बहुत नीचे चले गए। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास चलता हूं। प्रोफेसर मनोज साहब, प्रोफेसर मनोज साहब, हम चर्चा अजय जी एक मिनट, आप अपना थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाइए, थोड़ा गुस्सा ठंडा कर लिए, तब तक मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास आता हूँ। मैं वापस आप ही के पास आऊंगा। ये तर्क कुतर्क मजा नहीं आता। देखिए लोगों को ना इसलिए राजनीति से, राजनेताओं से नफरत होने लगी है। मेरा लेवल नहीं है इनके साथ बैठने। प्रोफेसर मनोज कुमार साहब, हरियाणा के जो परिणाम निकल कर आए हैं, हरियाणा के परिणामों को आप कैसे देखते हैं, जरा बताएं। देखिए मनोज जी, एक चीज तो आपको समझना होगा इस देश में कि हमेशा विधानसभा चुनाव होते हैं, और जब से ये देश बना है तब से चुनाव हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई चुनाव हुई है। लेकिन हरियाणा चूंकि एक ऐसा राज्य है, चूंकि दिल्ली से सटे राज्य है, और अभी रिसेंटली जिस प्रकार से वहाँ पे दो टर्म से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो परफॉर्म कर रही थी, ऑब्वियस था कि एक जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं एक एंटी इनकमेंसी की तरफ जा रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे उठाए, जिस प्रकार से वहाँ के बीजेपी के लीडरशिप को चेंज करना पड़ा मुख्यमंत्री, तो नो डाउट जो, लेकिन जो ग्राउंड स्तर पे जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल उस चीज को बिल्कुल निगेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते उस चीज को ठीक किया और दूर किया। मैं आपको कुछ बातों बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप मोदी जी के आने के बाद से 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, और उसी के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ और 10 साल वहां पे रही। लेकिन आप अगर पॉलिसीज को उठा के देखें, जैसे कांग्रेस ने किसान का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने महिला का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने जवान का मुद्दा उठाया, लेकिन इन सारे विषयों पे मुद्दा उठाए लेकिन उस पे काम किसने किया? आप देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से जो मैंडेट आया है, खास करके हरियाणा में जो विधानसभा की जो सीटें आई हैं उसमें हर वर्ग के लोगों का वोट मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था, मीडिया में भी दिख रहा था, सोशल मीडिया में भी दिख रहा था, और जितने भी हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहे थे मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे लगता है कि आज भी देश की जनता ने और खास करके हरियाणा की जनता ने एक बार से फिर से मोदी जी को मैंडेट दिया है। और ऑब्वियस है कि एक सशक्त भारत के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में, अब एक तरफ देखिए आप J&K में जहां पे अभी चुनाव हुआ है वहां का भी रिजल्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो घटनाएं वहां पे घट रही है वहां पे आप 370 वापसी की बात कर रहे हैं, जबकि हरियाणा के जवान वहां पे जाके लड़ता है और वही हरियाणा का वोटर हरियाणा में उस कांग्रेस को कैसे वोट देगा? तो ये जो मुद्दों के ऊपर जो इनकी क्लैरिटी नहीं रही, और जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दलित 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 सिर्फ कहने से, अब दलित आज की डेट में समझ रहा है कि कौन सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है, और सिर्फ दलित ही नहीं समाज का हर वर्ग जागरूक हो चुका है कि कौन सरकार पॉलिसीज में मुझे कहाँ पे हिस्सा दे रही है, मुझे नेतृत्व क्षमता कहाँ पे दे रही है। वो चाहे किसी भी मॉडल पे हो, आप अग्निवीर को उठा के देख लीजिए जिस प्रकार से अग्निवीर का इश्यूज बनाया गया। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दे अभी के इस चुनाव ने, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, एक जो अपोजिशन को जो एक मुद्दा मिला था कि बीजेपी 240 सीट पे आ गई, लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट ने फिर से बीजेपी को फिर से मजबूत कर दिया कि बूथ स्तर पे कैसे काम किया जाता है, कैसे हमें जनता के बीच में जाना है। तो मुझे लगता है कि इसमें संगठन का ये पूरा क्रेडिट जाता है और वहाँ की सरकार की जो पॉलिसीज है, और नो डाउट मोदी जी एक अभी आज के डेट में भी एक बड़े फेस हैं, और अभी भी जिस प्रकार से उनका जो प्रभाव हर जगह पे है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में आप देख सकते हैं भरोसा और विश्वास, ये बड़ी चीज है। और आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है, ये बात सही कही है कि कांग्रेस ने किसान का भी मुद्दा उठाया, जवान का भी मुद्दा उठाया,
महिलाओं का भी मुद्दा उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा उठाया, बहुत सारे मुद्दे उठाए, दलितों की चिंता करने की बात भी इस बात में कही गई, संविधान के बदलाव की भी बात कही, लेकिन उस पर काम किसने किया? काम बीजेपी ने किया, काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया, काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने किया, काम पन्ना प्रमुख ने किया कि वो मतदाता के पास, लोगों के पास पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि देखिए ये हमारे लाभार्थी हैं और ये आपकी स्कीम है, हम अगर आपके द्वार पर पहुंच रहे हैं तो वो लाभ देने के लिए पहुंच रहे हैं, हम आपको सुरक्षा भी दे रहे हैं, हम आपको भरोसा भी दे रहे हैं, और किसी एक जाति के भरोसे ये चुनाव नहीं लड़ा गया। कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही थी लेकिन जातियों को भरोसे में नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। आप जवानों की बात कर रहे हैं तो अग्निवीर में बदलाव की भी बात कर दी, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं में लाडली बहना जैसी और सुरक्षा जैसी बातों का भी जिक्र किया, आपने किसानों की बात की तो जब किसान मतदान के लिए लाइन में लगे थे तो उनके मोबाइल की घंटी भी बज गई और उसमें किसान सम्मान निधि भी माफ कीजिए आ गई। तो बेसिकली काम किसने किया, आपने बताया कि काम किसने किया और ये परिणामों में तब्दील भी हुआ। हवा हवा वो दौर चला गया जब आप चुनावी सभाओं में जाते हैं और पब्लिक में वेब और हाथ दिखा देते हैं कि लो भाई हम आ गए और हम नेता हैं और हमने तुम्हारे बात कर ली, तो आप देने की बात कर रहे हो और वो दे रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। रमन साहब देखिए मैं यही बात कह रहा हूं कि यहां पे डिलीवरेंस हुई, डिलीवरेंस वो हुई जो आज तक हरियाणा में नहीं थी। हरियाणा के अंदर वार होते थे बिजली आने के, यहां पे बिजली अब कैलकुलेट ये होती है कि जी कितने घंटे आई, 18 घंटे आई, 20 घंटे आई, 24 घंटे आई, उस पे बात होती है। सड़कों नाम की चीज नहीं थी गांव के बीच में, खाली पगडंडिया थी, वो पक्की भी हुई, उसकी रिपेयर हुई या नहीं हुई, उसमें कितने घंटे। बीजेपी हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती थी कि ये हमने करा है इस साल, ये लोगों तक पहुंचाया जाता था, लोग उसके ऊपर सवाल पूछते थे। लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन नाराजगी आपके अपने से होती है। जिस टेल के ऊपर 40 साल में पानी नहीं पहुंचा, उस टेल पे कैनाल की पानी पहुंच गया, जो बांध सूखे पड़े थे दक्षिण हरियाणा में उसमें भी पानी दिखने लग गया। तो ये चीजें तो हुई काम की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप बार बार मिस कर जाते हैं वो ये है कि यहाँ पे एक बड़ा ही गलत नैरेटिव बनाया गया कि जी सिर्फ एक बिरादरी के लोग किसान हैं, एक ही बिरादरी, उसी बिरादरी के लोग फौजी हैं, उसी के खिलाड़ी हैं और कोई नहीं है। ये सिर्फ एक को अहम द्वितीय ना कोई, वो रावण ने बोला था वो भस्म हो गए। उनमें से भी अगर आप देखेंगे तो एक जो ये नैरेटिव बिल्ट अप है, ये आपको अभी जैसे फॉर्म 20 लोड होगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसमें और डेटा क्लियर होएगा, गांव के हिसाब से पता लग जाएगा आपको कहां क्या हुआ और वो आपको दर्शाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। वस्तुस्थिति क्या है, आपने ठीक कहा, उससे पता भी लग जाएगा कि कितनी बिरादरियों के वोट किस पार्टी को मिले हैं और एक बिरादरी जिसका जिक्र किया, जाटों का जिक्र किया जा रहा है लेकिन जाटों के वोट बीजेपी को भी मिले, ऐसा नहीं है कि जाटों के वोट बीजेपी को नहीं मिले। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ मौजूद है। मनोज साहब, अब क्षेत्रीय दल दबाव बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की घोषणा भी कर दी है और उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करेगी, हर चुनाव के बाद जांच होती है, हर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस रिपोर्ट मंगाती है और रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में बंद कर देती है और साइड में रख देती है। बहुत सारे चुनाव में खबर भी आती है कि साहब पैसे लेकर टिकट दिए गए या फिर बहुत सारे जो जमीनी नेता उनको दरकिनार कर दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारे हैं, चौथी बार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, उम्मीद राजस्थान में थी नहीं हो पाई, छत्तीसगढ़ में हो पाई नहीं हो पाई और ठीकरा ईवीएम के ऊपर आता है। लेकिन अब दूसरा राज्य महाराष्ट्र और झारखंड, आपको लगता है कि कांग्रेस सीखेगी? जो बात अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, उससे कुछ सीख कांग्रेस को मिल पाएगी? देखिए मनोज जी, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो एक विशेष करके जब जो लोकसभा का रिजल्ट आया था उसमें कांग्रेस को एक मोमेंटम था, 99 सीट ला के जिस प्रकार से एक पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, भारत से लेके विदेशों तक, विदेश में जाके राहुल गांधी जी किस प्रकार से वहां पे भारत के आंतरिक विषय को वहां पे किस प्रकार से एक तरीके से निगेटिव प्रचार कर रहे थे, वहां पे कैसे ईवीएम के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश की जनता समझ रही है। और नो डाउट
आप देख सकते हैं कि 2040 सीट आने के बाद से भी भारतीय समाज ने और खास करके भारत का मतदाता ने मोदी सरकार को रिजेक्ट नहीं किया। अगर रिजेक्ट करना होता तो शायद 150 के पास लाके खड़ा कर देता, लेकिन हाँ, लेकिन इस हरियाणा चुनाव के बाद से मैं जो देख रहा हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो एक समन्वय की नीति जो बनी है और हरियाणा चुनाव में दिखा, वो आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, दोनों जगह में बीजेपी जीत के आएगी और अच्छे मार्जिन से जीत के आएगी, क्योंकि अब एक तरीके से इस देश की जनता को जिस प्रकार से हर मुद्दे पे आप देख सकते हैं कि जेएनके में 370 समाप्त हुआ। ये देखिए, जेएनके सिर्फ एक स्टेट का जो वहाँ का इंटरनल मुद्दा है, वो सिर्फ एक स्टेट का मुद्दा नहीं, वो पूरा एक देश का मुद्दा है। देखिए, वहाँ विचारधारा की संकट भी है, विचारधारा का संकट, इसलिए शायद बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन बीजेपी काफी गेन कर चुकी है, आगे भी बढ़ी है। रमन साहब, माफी चाहता हूँ, समय का अभाव है, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े विषय की, और वो विषय